दोस्तों ये है फिल्मोरा एडिटर और हम लोग इसमें दो तीन वीडियो मिला के एक नया वीडियो बनाएंगे। उसमें सॉन्ग्स भी रहेंगे, कोई टेक्स्ट भी रहेगा, ट्रांजिशन भी रहेगा। तो ओवरऑल ये सब यूज़ करके एक नया वीडियो कैसे बनता है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले तो जो भी वीडियोस वगैरह है सब इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें जो ये वीडियो है ये मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, चारों वीडियो आ गए। मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, एक इंपोर्ट करता हूँ। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे ये प्ले करने जाऊँ इसमें साउंड नहीं है पर ये वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो के अंदर मैं अपने खुद के भी साउंड दे सकता हूँ, वो कैसे चलो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, मेरे पास साउंड फिलहाल इसमें है। ठीक है, तो मैं ये साउंड यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। अभी अगर मैं प्ले करूँ तो देखो, अगर मुझे चाहिए कि इसको म्यूट करना है तो मैं एडिट में जाके इसका वॉल्यूम मैं 100% ज़ीरो कर दूंगा। तो अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो साउंड कुछ भी नहीं है। वही सेम अगर मुझे वीडियो में साउंड है उसको म्यूट करना है तो वो कैसे करते हैं। चलो आइए और भी एक वीडियो हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं ताकि आपके लिए के। तो ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अभी, देखो दो मैं यहाँ पे इसका जो म्यूट है वो म्यूट 100% कर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए दो आवाज आई। दो आवाज आएंगे तो मैं फिलहाल के लिए ये साउंड को म्यूट कर देता हूँ। अभी वीडियो का साउंड चल रहा है, अब मैं ये वीडियो को म्यूट कर देता हूँ, वीडियो का साउंड को म्यूट करता हूँ। अब फिर से मैं इसमें जा रहा हूँ और ये साउंड को मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी so, इस तरीके से आप लोग कोई भी वीडियो में नया सॉन्ग डाल सकते हो या दो वीडियो को एक साथ क्लब कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग दो वीडियो को क्लब कर सकते हो। ये दो वीडियो को क्लब करने के लिए आप ट्रांजिट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने अभी ट्रांजिट यूज़ किया। ठीक है, और मैं प्ले कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से ट्रांजिट को यूज़ किया जाता है। आप अगर हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना है यहाँ पे, आगे ही टेक्स्ट डालना है समझो, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा। कोई इफ़ेक्ट वगैरह देना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट दूँगा। ठीक है, टेक्स्ट में क्या लिखना है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसको कि
please like and subscribe. अगर ये टोटली दिखना चाहिए तो उसकी जो फॉन्ट है वो कम कर दो. हाँ ओके. अब देखो हम लोग अगर इसको प्ले करेंगे, हम लोग और भी इसको एडिट कर सकते हैं. ये हटा देते हैं और दूसरी चीज ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग कोई भी वीडियो को एडिट, दो तीन वीडियो पे एक साथ यूज करके एक वीडियो बना सकते हैं. और अगर ये वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो और क्रिएट वीडियो करके बटन दबा दीजिएगा. आप कभी भी इसकी जो सेटिंग है वो बेटर पे रहेगी तो आपको बेस्ट पे करना है. उसकी क्वालिटी HD में क्रिएट करना है तो बेस्ट करके क्वालिटी कर दो और MP4 में क्रिएट करो उसमें लिखो न्यू वीडियो. ओके मैं यहाँ पे ये वीडियोस में इसको सेव कर देता हूँ. फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश विद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको और एक्सपोर्ट कीजिएगा. एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. इस तरीके से आप वीडियो को कंप्लीट वीडियो बना सकते हो और फिर बाद में आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी वीडियो कहाँ पे सेव हो चुकी है. तो ये आपकी वीडियो सेव हो चुकी है तो चाहे तो हम लोग इसको प्ले करवा के देख सकते हैं. फिल्मोरा एडिटर के बारे में अगर ये बहुत ही यूज़फुल लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी करिए.